Hey guys, welcome back to my channel. And if you're new here, then hi, my name is Indusha, and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. तो आज मैं व्लॉग कर रही हूँ और मैं हूँ लाइमोक्रा में और अभी हम जा रहे हैं कैथेड्रल विच इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन शिलोंग. अगर आपने शिलोंग आकर कैथेड्रल नहीं देखा तो क्या ही देखा. यू नो कैथेड्रल इज़ वेरी पीसफुल. अगर आपकी मूड खराब हो तो कैथेड्रल में आ जाना, आपकी मूड खुद ब खुद ठीक हो जाएगी. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कॉलेज के बच्चे हैं जो कि यहाँ पे चिल करने आए हैं. यू नो नो मैटर यहाँ पे जितने भी लोग हो, बट दिस प्लेस इज़ सो पीसफुल. यहाँ पे कोई हल्ला-गुल्ला नहीं है बिकॉज दिस इज़ चर्च, सो इट्स ऑब्वियस. और यहाँ पे लोग अपने थॉट्स पे, अपने ख्यालों में खोया रहता है गुलाब. और यहाँ से द व्यू इट्स सो अमेजिंग, सो ब्यूटिफुल. मेरा कोई इरादा नहीं था व्लॉग करने का, मैं बाहर आई थी कुछ काम से, बट फिर वेदर देखकर मेरा मन हो गया घूमने का और घूमते घूमते मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ. सो इट्स अगेन रैंडम एज यूजुअल. जहाँ पे हम बचपन से आते रहे हैं, ये जगह देख देख के ऐसा फील होता है कि ये घर, ये मेरा कक्का घर. एंड वी आर हैविंग सो मच फन. बचपन से मैं यहाँ पे आती आई हूँ और इस जगह पे जितने बार भी आओ वी विल नेवर गेट बोर्ड. अभी हम नीचे से वापस जा रही है. हवाओं की तरह दिस प्लेस इज सो बिग. और यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट है, आप जहाँ से भी जा सकते हो घूमती घूमती. एंड और आप यहाँ से एक चक्कर लगा कर सीधा घर में पहुँच जाते हो. सो इट्स नाइस राइट. अभी हम गेट से बाहर निकलने वाले हैं और निकलने के टाइम आई जस्ट रियलाइज कि मैंने व्लॉग नहीं किया, तो हम लोग को वापस जाकर आना पड़ा जस्ट टू व्लॉग. आई नो इट्स क्वाइट फनी. सी दिस इज हाउ शिलोंग लाइमोक्रा लुक्स लाइक. अभी हम जा रहे हैं धान खेती में. ये धान खेती का रास्ता है एंड थोड़ी बहुत ट्रैफिक इसलिए है क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया है. एंड पसंद है आपको सुबह ब्लॉग करना. एंड दिस इज धान खेती ब्रिज जो कि क्वाइट फेमस है शिलोंग में. अगर आपको क्रॉस करनी नहीं आती हो और अगर या फिर अगर आपको क्रॉस नहीं करना है तो यहाँ से राउंड लगा कर भी आप जा सकते हो, क्रॉस कर सकते हो. सी गाइस बहुत लंबी ट्रैफिक है और वेदर भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. हम लोग फोटो खींच रही है, वीडियो ले रही है. एंड एस यू नो दिस इज माई काइंड ऑफ अ वेदर. सो दिस इज हाउ इट लुक्स, ग्रीनिश ग्रीनिश. मैं नहीं पता था कि स्टेस में बहुत सारे लोग हैं, तो मैं नाचती नाचती जा रही थी बट देन वहाँ पे बहुत सारा लोग था तो मुझे शर्म आ गया, एम्बरेसिंग, तो मैं वापस आ गई. अभी हम नीचे जा रही है सो देट हम यहाँ से घर वापस जा सके. I don't know what the hell is wrong with these people. ये लोग तमूल खाकर, पान खाकर हर जगह में चूना पोंछ देते हैं, थूक देते हैं. They are so disgusting. That place was so dirty, but I'm glad कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा क्लीन है. ये जब मैं छोटी थी ना तो मुझे किसी ने कहा था कि वो लोग ना ये रास्ते को तोड़ कर एक बहुत बड़ा चर्च बनाने वाली है. जो चर्च हम गई थी और जो आपको ये व्यू दिखाई दे रही वो दोनों सेम है, लाइक एक ही डायरेक्शन में है. तो
किसी ने कहा था कि वो लोग ये दोनों को ज्वाइन करेंगे और बहुत ही बड़ा सा चर्च बनाएंगे, बट थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ, नहीं तो रोत नहीं होता एंड हमें स्ट्रेट रास्ता चुनना पड़ता एंड बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता हमारे लिए। तो एक और जगह है एनमंस, हमें वहाँ से आना जाना पड़ता, बट एनीवेज ऐसा नहीं हुआ, ये सब बस एक रूमर्स था। सो यस गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो ये वीडियो ना इलेक्शन से पहले की है, तो लोग ना यहाँ पे रैली कर रही है, एस यू कैन सी। सो एनीवेज गाइस, दैट्स इट, थैंक यू, बाय।